क्या चाहिए तुझे? बता दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? इस लड़की तो तू कमाल है, इतने टाइम के बाद भी तेरा गुस्सा, तेरी अकड़ बिल्कुल वैसी की वैसी जैसी ऋषिकेश में होती थी। ऋषिकेश की पागल टीना। सिर्फ पागलपन ही नहीं, बाकी सब कुछ भी वैसा ही है मेरा। उतनी ही लड़ाकू, उतनी ही सर फिरी हूँ मैं। इसीलिए कह रही हूँ, फालतू की बातें छोड़, सीधा काम की बात पे आ। क्या चाहिए तुझे? साक्षी और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें वो तो डर के मारे चुप होके बैठ गई, लेकिन तुझसे चुप नहीं रहा गया ना। क्या जरूरत थी मेरे फटे में टांग अड़ाने की? बोल, क्यों सरेआम तूने मुझे बेइज्जत किया था? आज उसी बेइज्जती का बदला लूंगा मैं तुझसे, और जितना टाइम मैंने जेल में बिताया है ना उसका भी। तेरी बेइज्जती का कारण तू खुद ही था राघव, और तेरे जेल जाने का भी। तुझे वही सजा मिली जो तुझे मिलनी चाहिए थी। जैसे को तैसा ही मिलता है राघव। बहुत शौक है ना तुझे जैसे को तैसा मिलवाने का, आज तू भी उसका मजा चाह। वे शहर के सामने तूने मुझसे सॉरी बुलवाई थी, मुझसे, आज तू बोलेगी। चल तेरी, तो तुझे मैं बताती हूँ। क्यों मार रही इसको? अरे क्या क्या इसने, बता तो दे। अबे इसी से पूछना क्या किया इसने। ज्यादा ही हीरो समझता है खुद को, सही औकात ना दिखा दिया इसको। धो धो, तो मेरा नाम भी टीना नहीं, और टीना को बहुत अच्छे से पता है जो लोग सॉरी नहीं बोलते ना उनसे सॉरी कैसे बुलवाते हैं, घटिया हरकत करने वाले को पूरी दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं। टीना ऐसा कर रही है तो पक्का इसने बड़ा ही कांड किया होगा। अब हो जाओ तैयार, अपने पाप धोने के लिए उठा के गंगा जी में फेंक दूंगी तुझे, तब बोलेगा तू सॉरी, है ना? टीना प्लीज समझ करो, मैं सॉरी बोलता हूँ। पूरे ऋषिकेश के साथ इसी चौराहे पे खड़े होके तू सॉरी बोलेगा सब, और जल्दी सॉरी बोल। सॉरी। ओए सॉरी। सॉरी। भगवान कहे तुझे अपने किए की ऐसी सजा ना मिले कि तू फिर किसी को धोखा ना दे सके, फिर किसी को ना रुलाए, उसे ग्रांटेड डाले। अफसोस है मुझे कि तुझे ऋषिकेश ले जाकर तुझसे माफी नहीं मंगा सकता, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, लेकिन मैं अपना बदला यहां जरूर ले सकता हूं। जब तू मुझसे माफी मांगेगी ना और गिड़गिड़ाएगी मेरे सामने, तो मैं तेरा वीडियो बनाऊंगा और फिर ऋषिकेश जाकर सबको दिखाऊंगा, मेरे आश्रम वालों को भी और अपने सभी दोस्त रिश्तेदारों को जिन्होंने उस दिन के बाद से मुझ पर थूकना शुरू कर दिया था। ये काली तेरे ही चेहरे के लिए बनी है, उस पे खुद ही लग गई। सॉरी तो तुझे बोलना ही पड़ेगा, अगर खुद से नहीं बोलेगी ना तो जबरदस्ती बुलवाऊंगा, और बुलवाऊंगा जरूर। फोन उठा राघव, फोन उठा। भगवान करे मेरी नायरा तेरे पास ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भगवान भी तुझे आज नहीं बचा सकेंगे। कैसे पता चलेगा नायरा के बारे में? कैसे पता करूंगा?
सच में कमाल हो टीना, अब भी हिम्मत नहीं हारी। खैर सॉरी नहीं तो बदला सही, बस बदला थोड़ा सा सख्त होगा टीना। खैर तो तू अब अपनी मना राघव और दुआ कर कि इसके बाद तू मुझे ना मिले। और मुझे क्या, अगर तू मेरे कार्तिक के हाथ लग गया ना तो उससे तुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। अरे मैं तो दुआ भी करूंगा ना तो पहले तेरे लिए करूंगा। मुझे बर्बाद करने चली थी तू, अब अपनी खैर मनो। मेरे पाप धुलवाने वाली थी ना तू, मुझे गंगा जी में फेंक के। अब देख देख कैसे पलट गई है बाजी, तेरी करनी तेरे ही सामने आ गई है। पर अफसोस अफसोस के यहाँ पे गंगा जी नहीं है। But you don't worry, मेरा बदला अब भी बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट। अभी के लिए बाय टीना, जिंदा रही तो फिर मिलेंगे। राघव रुक, नहीं। Enjoy your swim. क्या कर रहे तू? नहीं। राघव, नहीं। राघव, राघव जब से छोड़। कोई मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सुन रहा है ना तू? तो जल समाधि मिल जाती। कहीं वेस्ट। मेरा बदला पूरा हुआ टीना, तुम्हें यहां बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। बाय बाय। क्यों है मेरा गान
बोल जाए रे रे बोल बोल आया कैन बोल 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 जाए रे रे कार्तिक नारा कार्तिक गौरव पता पता नहीं रखा पता नहीं रखा बोल नहीं रखा है वो मुझे गंगा जी में फेंकने वाली थी ना मैंने उसे जल समाधि दे दी गौरव बोल बोल की मदद कर आ गई मेरी नया काटो तुम उसे काटो तुम मेरी नया को नया मैंने उसे जल समाधि दे दी
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।